दो दोस्तों, फिर से ये इस बेस को पक्का कर रहे हैं। गाइस बहुत ज्यादा मेजर लैंडस्लाइड हुआ है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिमाचल ड्रीमर पे। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपडेट देने के लिए आपके इस फोर लेन का, कि कौन से रोड आपके खुले हैं और कौन सा आपका लेन खुला है, कहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, कहाँ पे। मैंने सुना कि यहाँ पे आपके जो पनो है वहाँ पे सड़क भी धस गई है, तो उसको भी बताते हैं और दिखाते हैं कि रोड खुला है या कितना बन चुका है। तो अभी देख सकते हो कि अभी मैं कहाँ हूँ, गैस कीजिए, अभी मैं हूँ आपके भगेड़ वाले हाईवे के पास। तो जल्दी से ऐसा करता हूँ, अपना हेलमेट वगैरह सेटअप करता हूँ, फिर आपसे मैं बात करता हूँ। तो यार आज बड़े दिनों के बाद ब्लॉग कर रहा हूँ। आई थिंक 4 से 5 दिन हो गए हैं ब्लॉग शूट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था आपको रीज़न पता, कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। और आज बड़े दिनों बाद देखो मौसम बड़ा क्लियर हुआ है। तो यार मैंने सुना कि जो आपका पनो है ना वहाँ पे सड़क धंसती है, तो चलो देख आते हैं कि क्या सिचुएशन है उस रोड की और आपकी इस फोर लेन की। अभी जा तो मैं फिलहाल घर ही रहा हूँ, तो सोचा क्यों ना इसी रास्ते से जाऊँ और आपको साथ साथ में रोड अपडेट भी मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, देखो यहाँ पे कितना ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ है यार। मैं पहली बार इस रास्ते से पहले गया था ना 10 दिन पहले, तो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था और एक पूरा पहाड़ यहाँ पे था, बट अभी उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो गाइज अभी यहाँ पे पनो के पास में पहुँच चुका हूँ और ये जो आपका ये वाला रोड है ये जाता है आपका नीचे कंद्रौर में मिलता है, और ये रहा आपका फोर लेन। ओ भाई हो भाई यहाँ पे, ओ भाई अच्छा ये हुआ यहाँ पे, वो लैंडस्लाइड हो भाई यहाँ पे, तो पूरा ही पहाड़ नीचे आ गया दोस्तों। तो गाइज देख सकते हो कि इस साइड से जो आपकी गाड़ी आ रही है, आई थिंक आपका ये वाला दूसरा लेन बंद है, और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मेजर लैंडस्लाइड हुआ है यार। तो चलिए अब दिखाते हैं अभी आपको। देख सकते हैं अभी इन्होंने कर दिया है। गाइस बहुत ही ज़्यादा मेजर लैंडस्लाइड हुआ है, आई थिंक ये हुआ है आपका जो पनो के थोड़ा सा आगे, और ये यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं कि आपकी पूरी सड़क है ना वो नीचे ही धस चुकी है। तो अभी आपको मैं शो करवाता हूँ। तो देखिए भाई देखिए, यहाँ पे इन्होंने बैरियर लगा दिए और यहाँ पे ये छोटा जो आपका फोल है ना यहाँ पे सिर्फ सिंगल रेन बन के रह चुका है, और नीचे भी JCB वगैरह गई हुई है। तो देख सकते हो कि क्या सिचुएशन हो चुकी है इस फोर लेन की, और यहाँ पे भी देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा मिट्टी हुई है भाई। ये तो पूरा देखो आपके डंगे दिख रहे हैं आपको, मैं वहाँ पे जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे खतरा हो सकता है। फिर से JCB अपने काम पे लग चुकी है, देखो मिट्टी कितनी बराबर की जा रही है, और फिर से ये इस बेस को पक्का कर रहे हैं। तो देख सकते हो जो डंगे हैं यार आपके, कितनी भाई नीचे तक इतना ज़्यादा बारिश हुई है कि देखो आपके डंगे भी बह गए हैं, और नीचे जो आपकी खड्ड है वहाँ पर चला गया मटेरियल, मिट्टी देख सकते हो कितनी ज़्यादा है यहाँ पर। और ये आपकी जो फोर लेन है यहाँ पे सिंगल लेन बन के रह गया है भाई, बड़ा ही खतरनाक है यार, बड़ा ही खतरनाक। इनको बहुत टाइम लगने वाला है इसको ठीक करने को, बट काम तो बड़े ज़ोर से कर रहे हैं, हो सकता है जल्दी कर दें। अब जो पाइपें वगैरह वो फिर से लगाई जा रही हैं, आपको अगर दिख रही होगी नीचे, तो चला हुआ है यार काम, होप जल्दी ठीक हो जाए। तो चलिए दोस्तों ऐसा करते हैं, धूप ज़्यादा है तो बढ़ता हूँ मैं आगे और चलता हूँ अब। बड़ी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन हो चुकी है यहाँ पे इस रोड की, बट काम फिर से आपका कंटिन्यू हो गया है, तो थोड़ा सा आई थिंक हो सकता है 1 महीना लगे इनको ठीक करने में, तो जल्दी ये ठीक कर देंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं अपने इस सफ़र को कंटिन्यू। तो गाइस भाई, ओ भाई, ओ यार बड़े गलत रोड आ गया भाई, बड़े गलत रोड। भाई आपका पूरा रोड खत्म हो चुका है ये तो। ओ काश
दूसरा वाला लेन ये बंद है, तो ये वाला लेन इन्होंने अभी थ्रू किया हुआ है। गाइस इस वाले लोकेशन पे मैंने अपनी शेडो को पार कर दिया है और साथ में ये आपके साथ आपको दिख रहा होगा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपके इस सतलुज नदी का, और इस तरफ भी देख सकते हो आप फॉलन कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों यार बहुत सारे दिन हो गए मैं आपको लंबी राइड पे नहीं लेके गया हूँ, क्योंकि मॉनसून चला हुआ था तो बारिश में ट्रैवल करना खतरे से खाली नहीं हो सकता था। आप देख सकते हो कि मनाली आपके मंडी में कितनी ज़्यादा तबाही हुई है, तो मॉनसून में ट्रैवल नहीं कर सकता था मैं। तो अब लगता है कि मॉनसून अब बैठ चुका है, तो आपको एक लंबी सी ट्रिप हम प्लान कर रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी इस ट्रिप पे लेके जाएंगे। और उससे पहले आप देखिए यहाँ पे यार कितना ज़्यादा बढ़िया व्यू हुआ है, बहुत क्लियर हुआ है, बादल बहुत अच्छे बन रहे हैं, और वो रही आपकी गहरू पीक, और कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है यार ये। और देख सकते हो ये तो सब जानते होंगे, ये तो आपकी बनवाने वाली फैक्ट्री है जो ACC है, ACC वाली फैक्ट्री है। और अपनी शेडो यार देखो कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है यहाँ पे यार, इस अपनी शेडो ने यार बहुत साथ दिया जहाँ भी ट्रैवल किया है। और इस सफ़र में सबसे अहमियत अपनी शेडो की है, तो एक लाइक अपनी शेडो के लिए ज़रूर दें। तो गाइज अब मैं घर पहुंचने वाला हूं, तो ऐसा करता हूं इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो दोस्तों। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।